नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सोशल टेक इंग्लिश पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निकॉन DSLR के प्रोग्राम ऑटो मोड मतलब पी मोड के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पी मोड आपको कैसे यूज़ करना है, पी मोड जो है ऑटो मोड से किस तरीके से डिफरेंस है, और पी मोड में जो है हम पिक्चर कैसे ले सकते हैं, और ऑटो मोड की जगह जो है हम कैमरे में दूसरा कौन सा मोड यूज़ कर सकते हैं जिसमें जो है हमको मैन्युअली सेटिंग कम करनी पड़े। मतलब हम अगर हम कोई पिक्चर खींच रहे हैं, कोई किसी चीज़ का फ़ोटोशूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको अब मैनुअली सेटिंग कम करनी पड़े, कैमरा ऑटोमेटिक खुद ब खुद ज़्यादातर सेटिंग हमको करके दे दे। तो ऐसा इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वेट में रहिए मेरे वीडियो के साथ, और मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि प्रोग्राम मोड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, प्रोग्राम मोड में और ऑटो मोड में क्या क्या डिफरेंस हैं, और प्रोग्राम मोड में जो है अच्छी पिक्चर हम लोग कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, मेरे सामने रखा है निकॉन DSLR का D5300, और इस कैमरे में मैं आपको बताऊँगा कि प्रोग्राम ऑटो मोड कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, सबसे पहले हमें कैमरे को ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा ऑन मोड में है, और इस समय मेरा कैमरा आप देख सकते हैं ऑटो मोड में सेलेक्टेड है। यहाँ से हम रोटेटिंग डायल को रोटेट करके इसको कर देते हैं पी पे। इसका मतलब है अभी हमारा कैमरा जो है प्रोग्राम ऑटो मोड पे सेलेक्ट हो गया है। अगर मैं इसकी स्क्रीन ऑन करके आपको दिखाऊँगा तो आप देखोगे यहाँ पर पी आ गया, और ये प्रोग्राम ऑटो मोड में हमारा कैमरा सेलेक्टेड है। दोस्तों, प्रोग्राम मोड में जब हम कैमरे को सेलेक्ट कर देते हैं, तो अगर हम कोई भी फ़ोटो खींचते हैं, तो कैमरा जो है हमारा शटर स्पीड और एपरेचर दोनों को खुद ही एडजस्ट कर लेता है। लाइट जिस हिसाब से है, उस हिसाब से हमारा कैमरा जो है शटर स्पीड और एपरेचर को एडजस्ट कर लेता है, और हमको एक अच्छी पिक्चर देता है। दोस्तों, अगर हम कोई फ़ोटो खींच रहे हैं और हमको पिक्चर में हमको लाइट कम या ज़्यादा लग रही है, तो हम इसमें लाइट को अपने आप हिसाब से जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्ट करने के लिए दोस्तों हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो प्लस माइनस बटन है, इस प्लस माइनस बटन को हमको प्रेस करके रखना होगा। जैसे हम इस प्लस माइनस बटन को प्रेस करेंगे, और ये जो रोटेटिंग डायल आप देख रहे हैं, इसको हम अगर हम पॉजिटिव साइड में घुमाएंगे, तो यहाँ पे जो है हमारे पिक्चर जो है ब्राइट होती जाएगी, और अगर हम इसको नेगेटिव साइड में घुमाएंगे, यहाँ पे जीरो पे रहेगा तो ये बैलेंस रहेगा, जैसे हम इसको नेगेटिव साइड में घुमाएंगे तो यहाँ पर पिक्चर हमारी जो है डार्क होती जाएगी। तो दोस्तों, इस बात का हमें ध्यान रखना है, अगर हमको लाइट हमको अच्छी नहीं लग रही, अगर हमको कोई पिक्चर डार्क लेनी है, तो अगर पिक्चर ब्राइट आ रही है इसको हमें डार्क करना है, तो हम इसको प्लस माइनस बटन को प्रेस करेंगे, रोटेटिंग डायल को माइनस साइड में रोटेट करेंगे, तो हमारी पिक्चर डार्क होती जाएगी। और अगर हमारी पिक्चर कोई डार्क आ रही है उसको हमें ब्राइट करना है, तो हम इस प्लस माइनस बटन को प्रेस करेंगे और इस रोटेटिंग डायल को प्लस साइड में घुमाएंगे, तो हमारी पिक्चर जो है ब्राइट होती जाएगी। तो इस पिक्चर को हम इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हमारा प्रोग्राम मोड जो है ऑटो मोड से किस प्रकार से डिफरेंट है। दोस्तों, प्रोग्राम मोड में जो है हम ISO को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, वाइट बैलेंस को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लैश हमारे फ्लैश जो होता है कैमरे का वो हमारे कंट्रोल में होता है, हम अपने फ्लैश को जो है अपनी मर्ज़ी से ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट है। और इसका एक्सपोजर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्लस माइनस बटन को प्लस प्रेस करेंगे और रोटेटिंग डायल को अगर हम घुमाएंगे, तो हमारा जो है एक्सपोजर हमारा हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जबकि जो ऑटो मोड होता है उसमें ISO हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लाइट सेंसिटिविटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वाइट बैलेंस को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और फ्लैश को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये मेन तीन डिफरेंस हैं हमारे प्रोग्राम ऑटो मोड और ऑटो मोड में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, इसके बाकी के जो मोड हैं, मैनुअल मोड है, अपर्चर मोड है, शटर प्रायोरिटी मोड है, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो आपको ये वीडियो जो है मेरे एंड स्क्रीन में इनका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।